हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केवल प्रोसेस सर्वर के बारे में और जानेंगे कैसे आपकी उसमें सिलेक्शन होगी, क्या आपका जो है उसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। फ्रेंड्स, सब कुछ जानेंगे। आप जो है वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको उसमें रिटर्न टेस्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, रिटर्न टेस्ट जो है आपका दो टीयर में होगा, टीयर ए एंड टीयर बी। जो फ्रेंड्स आपका टीयर ए होगा, उसमें आपको जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 50 और 50 नंबर के, और उसमें आपको जो समय मिलेगा एक घंटे का। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको मीडियम इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। आप यो मान के ना चलें कि आपको जो ये क्वेश्चंस मीडियम हिंदी में आएंगे, क्लियर। तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस होंगे वो आपको जो है जनरल नॉलेज के आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चंस, क्लियर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपका टीयर बी होगा। फ्रेंड्स, टीयर बी में आपको जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास जो है समय रहेगा एक घंटे का। तो फ्रेंड्स, यह आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा टीयर बी। तो फ्रेंड्स, उसमें जो आपको ऐसे राइटिंग इन हिंदी, कम से कम आपको जो 250 शब्द में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो तीन टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको जो अपना ऐसे लिखना होगा, यह आपका जो 25 नंबर का रहेगा, क्लियर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका होगा एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग। फ्रेंड्स, यह आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा, कम से कम 100 शब्दों में। तो फ्रेंड्स, यह आपका जो 15 नंबर का रहेगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो आपके टीयर बी में 40 नंबर पूरे हो जाते हैं और कुल मिलाकर जो आपके टीयर ए एंड टीयर बी को मिलाकर 90 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टीयर बी में आपको जो है कुछ खासा ध्यान देने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इसमें जो आपको शुद्धियां वो हैंड राइटिंग के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना पड़ेगा, क्लियर। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की। फ्रेंड्स, इंटरव्यू आपका जो है 10 नंबर का होगा। फ्रेंड्स, यह नंबर आपको जो नियमन प्रकार से दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 नंबर दिए जाएंगे और एक्सपीरियंस के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस आपको जो है क्लास 4th की जॉब का होना चाहिए, तभी यह मान्य रहेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी के आपके 4 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आपको यह नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो है प्लस टू करी है तब आपको जो है 1 नंबर, अगर आपने जो प्लस टू फर्स्ट डिवीजन में करी है तब आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपने जो एनी बैचलर डिग्री करी है या आपने प्लस टू से कुछ अबव की डिग्री करी है तब आपको 3 के 3 पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्लियर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की। आपको जो एक्सपीरियंस के कैसे नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस केवल आपको 4th क्लास की जॉब का होना चाहिए, तभी यह मान्य रहेगा। फ्रेंड्स, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आपको आधा नंबर, 2 में 1, 3 में 2.5 और 4 में 2 और 5 में 2.5 और 6 में आपको जो है 3 के 3 पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह रहेगा प्रोसेस सर्वर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पोस्ट के ऊपर जो है सिलेक्शन प्रोसेस जानना है तो फ्रेंड्स, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मैं उसके ऊपर जो आपको वीडियो बना के दे दूंगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय गाइज़।